तो बेटा अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है चैप्टर सॉल्यूशन का। एक टॉपिक जो हमारा बच गया था या बच गया है, जिसका नाम है एब नॉर्मल मोलर मास। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। अब लास्ट ईयर तो ये टॉपिक कोर्स का पार्ट नहीं था। इस ईयर जो सिलेबस उन्होंने रिलीज किया है वो इस कोर्स का पार्ट कह रहे हैं कि ये है, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको करा रहा हूँ। तो बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक एब नॉर्मल मोलर मास। बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर एक नया नाम पढ़ा था, वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा हमने नाम पढ़ा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने नाम पढ़ा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, हमने इस साल एक नया नाम पढ़ा, वो क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो होती है जो सब्सटेंस के स्टेट को बताती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डेंसिटी भी बताती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसके बारे में बताती है किसी भी सब्सटेंस के बारे में। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें बताती हैं कि ये सब्सटेंस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एयर में कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन में कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब टोटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर केमिकल। लेकिन जो हमने नया नाम पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, उसका नाम था बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये क्या होती है? ये होती है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये सिर्फ डिपेंड करती है कि सल्यूट कितना है, कौन सा सल्यूट है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। किस पे डिपेंड करती है? नंबर, या फिर आप उसको कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। दे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सल्यूट, मतलब सल्यूट कौन सा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर सल्यूट कितना है मुझे उसी से लेना देना है, उन्हें कहते हैं बेटा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आए थे, रिलेटिव। सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड। दूसरा था बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था बेटा हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा फोर्थ हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं हमें समझ में आया, कॉलिगेटिव और केमिकल प्रॉपर्टीज हम सर क्यों पढ़ते हैं हमें समझ में आता है, ठीक है, हम जानने के लिए, पहचानने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अदर प्रॉपर्टीज जानने के लिए। लेकिन सर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम किस लिए पढ़ते हैं? तो बेटा एक्चुअल इनका बेनिफिट ये होता है कि बेटा हम इससे कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हम बेटा इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से मोलर मासेस जो है वो निकाल सकते हैं बेटा किसके? सॉल्यूट
सॉल्यूट के। सर कैसे, आप एग्जांपल देके बताइए। अब जरा बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वलेंट टू एक्स बी, जहां पे बेटा एक्स बी जो है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, और बी बेटा किसका होता है, सॉल्यूट का। अगर आप इसको ओपन अप करते हैं तो ये आ जाता है एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो बेटा मोल्स निकालते हैं जब, तो बेटा मोलर मास तो बेटा यूज होगा ही होगा। ऐसे ही बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं बेटा डेल्टा टी, ये होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टी बी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू मोलैलिटी, डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू वन अपॉन डब्ल्यू ए सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा ये क्या होता है सर, सेम फॉर्मूला पर के एफ होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, डेल्टा टी बी की जगह बेटा डेल्टा टी एफ होता है, के एफ होता है, और बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला तो वही रहता है, तो वन अपॉन डब्ल्यू ए विच शुड बी इन के जी। तो आप अगर देखें तो बेटा ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गया मोलर मास, ये हो गई बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया मोलर मास, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर, एन बी बाय वी एस आर टी, वेरी गुड बेटा, एन बी R T अपॉन V S। अगर मैं N B को ओपन अप करता हूं तो W B इंटू R इंटू T अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच शुड बी इन लीटर, ये हो गई बेटा मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरा आपको अब कहना ये है कि हम इनकी मदद से मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट का मोलर मास। तो आप देख सकते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अगर मैं इसका मोलर मास निकालूंगा तो बेटा वो नीचे आ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास सॉल्यूट का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, है ना बेटा, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या होता है, मोलैलिटी। अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वलेंट टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट, पर जब मोलैलिटी में हम मोलर मास लिखते हैं तो बेटा वो इनवर्सली हो जाता है। ऐसे ही बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो आप बेटा इसको नंबर या आप क्या लिख सकते हैं बेटा, अमाउंट लिख सकते हैं, है ना, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू कॉन्सेंट्रेशन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बेटा अभी तक जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी आप लोगों को समझाई, आई होप थोड़ा क्लियर हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं सल्यूट कितना है पे, कौन सा सल्यूट है उस पे डिपेंड नहीं करती। आप सल्यूट जो मर्जी लीजिए, कितना है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, कम तो नहीं है, कहीं ज्यादा तो नहीं है, कहीं आपने ज्यादा तो नहीं कर दिया, और ज्यादा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, कम कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीजें बदल जाती है, ठीक है। और जब हम उस अमाउंट या उस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा इन सारे फॉर्मूले से हमको पता लगा कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मॉलिक्यूलर मास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमको पता लगी कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन पे या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के मोलर मास। बच्चों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेटा किसी को कोई चीज पूछनी हो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो बेटा मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसकी वैल्यू निकालता हूं, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। तो सर फिर ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास? मतलब हम जिस प्रॉपर्टी की मदद से मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है सही हो, पर ये भी हो सकता है कि वो सही ना हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। एब नॉर्मल मोलर मास विद हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट MMB। But sometimes it is correct and sometimes molar mass of solute is incorrect. That is, it can be more or less than actual molar mass of solute. मतलब वो actual value से ज्यादा भी आता है कभी कभार और कम भी आता है। मतलब आपने जितने भी formulae पढ़े colligative property निकालने के वो 100% सही नहीं है, क्योंकि इन्हीं formulae से हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो वो सही आएगा मॉलिक्यूलर मास, अगर सही आ गया तो कुछ बात ही नहीं है, या फिर वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा, या फिर वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आएगा, कम आएगा। तो सवाल उठा सर ऐसा क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मासेस जो है सॉल्यूट के वो एक्चुअली आने सही तो कुछ केसेस में आ रहे हैं, बाकी के केसेस के अंदर मेजॉरिटी केसेस में वो सही नहीं आ रहे, वो कम या फिर ज्यादा आ रहे हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा इसका रीजन क्या है वो ये देखिए
because we did not consider dissociation मतलब splitting of molecules और association मतलब combining of molecules at high and low temperature. तो बेटा हमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया था. वो किस चीज पे बेटा ध्यान नहीं दिया था कि बेटा जब कोई सल्यूट को आप पानी में डालते हो तो क्या वो सल्यूट पानी में जाके वैसा ही रहता है? तो सब ठीक ठाक है, तो सब बढ़िया है. लेकिन अगर वो पानी में जाके अलग हो गया, डिसोसिएट कर गया अपने आयंस के अंदर, तो बेटा नंबर बदल जाएगा. अगर बाय चांस वो पानी में जाकर लो टेम्परेचर पर जुड़ गया, एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, तो भी नंबर बदल जाएगा. एंड अगर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल बदल गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू खराब हो जाएगी. और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू खराब हो गई तो मॉलिक्यूलर मास भी तो अलग ही आएगा. तो हमने ये फैक्टर्स जो थे वो कंसिडर नहीं किए थे. कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों जो मैं बता रहा हूं? किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो तो बेटा प्लीज पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसके अकॉर्डिंगली. ऑल क्लियर भाई? तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं. बेटा हम बात कर रहे हैं एक नई टाइप की प्रॉपर्टी की जिनका नाम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि सल्यूट सल्यूशन के अंदर कितना है, क्या है. हमारा बेटा उससे कोई लेना देना नहीं है. आपने कौन सी चीज डाली है पानी में या सॉल्वेंट में, मुझे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन कितना अमाउंट आपने उसका डाला है बेटा सॉल्वेंट के अंदर, मेरे लिए वही कंसर्न है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि सल्यूट कितना है, कौन सा सल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करती. हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पढ़ने वाली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर. हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी मदद से हमको अगर सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बेटा हम उसको बिना पहचाने, मुझे क्या करना कि ये कौन है, हाँ लेकिन मैं फॉर्मूले से इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के बता सकता हूँ. तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं. और जितने भी बेटा फॉर्मूले हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमको बताती है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट पे, और इनवर्सली डिपेंड करती है मोलर मास के ऊपर सल्यूट. तो हमारे पास अच्छा खासा मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का आ रहा था और मैं उसको क्रॉस चेक भी कर रहा था. फॉर्मूले से मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, इधर से मैंने उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकाला, दोनों को कंपेयर करके मैंने क्रॉस चेक कर लिया. लेकिन बाद में पता लगा कि 60-70-80% केसेस में
सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा। अब हमने कहा कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अज्यूम कर लिया था कि जब आप किसी सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हो तो वो पानी के अंदर जाके वैसा का वैसा ही रहता है, पर ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सल्यूट पानी में जाकर वैसा ही रहे, पहली ऑप्शन हो सकता है वो वैसा रहे, दूसरी ऑप्शन हो सकता है वो वैसा नहीं रहे। तो फिर अगर वैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या हो सकता है, क्या पता मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाए आयंस के अंदर। अगर आयंस में स्प्लिट हो गया तो भी तो नंबर बदल गया, मैंने तो 10 मॉलिक्यूल डाले थे लेकिन 10 के 10 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए। अगर 10 के 10 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए तो बेटा नंबर 10 की जगह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नंबर बदल गया। अगर नंबर बदल गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाएगी और उस वजह से बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा। अक्सर स्प्लिटिंग टूटना जो होता है बेटा वो हाई टेम्परेचर पर होता है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। लेकिन कभी कभार हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत लो टेम्परेचर में भी तो करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जब आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे के अलग हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं। मैंने कितने मार्कर लिए, 2 मार्कर, लेकिन जब मैंने इनको रेफ्रिजरेटर में रख दिया पास पास तो पता लगा ये दोनों जुड़ गए। अब अगर ये दोनों जुड़ गए तो बेटा ये कितने मार्कर हो गए, 1। मैंने तो 2 मार्कर रखे थे, हो गए 1, नंबर बदल गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास भी अलग आएगा। इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मासेस जो थे वो डिफरेंट आ रहे थे, अलग आ रहे थे। इस वजह से हमको ये टॉपिक पढ़ना पड़ गया, एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप लोग बेटा इस बोर्ड को कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं इसके आगे का पार्ट आपको कराता हूँ। जिसको कोई डाउट हो बेटा वो पूछ सकता है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो भी पूछ सकते हैं। बेटा टिल द टाइम आप लोग कॉपी कर रहे हैं, तो जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं कर चुके हैं वो एक काम करें, अपनी एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो है वो अपने पास रख लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो है वो हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, जबरदस्त न्यूमेरिकल, और कोई भी न्यूमेरिकल है यहाँ तो 2 नंबर का आएगा या सीधा 5 नंबर का आएगा। आई होप आपने टेस्ट पेपर देखा था, टेस्ट पेपर में मैंने 2 क्वेश्चंस कटवा दिए थे, 1 7 और 1 13।
यानी 14th क्वेश्चन, हाँ तो वो इसीलिए कटवाए थे बेटा क्योंकि वो दोनों वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड है जो हमने टॉपिक किया. एक तो बहुत ही सिंपल है और जो अगला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा 5 नंबर का न्यूमेरिकल वेंट ऑफ फैक्टर पे आ रहा है. और कुछ तो क्वेश्चन मतलब जब हमारा टाइम होगा असाइनमेंट मैंने आपको दिया बेटा उसमें तो इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन है टॉपिक पे बेस्ड कि मतलब मजा ही आ जाए. तो प्लीज कॉपी कर लिया सबने बेटा? कोई कॉपी कर रहा है? चलो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं. तो बेटा हमने अभी अभी कुछ मोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ. पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. और दूसरा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो जब आप कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो बेटा 3 चीजें हो सकती हैं. या तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर वैसे ही रहे, ठीक है, मतलब ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं. सारा टॉपिक ही हमने इससे पहले उसी पे बेस किया था और तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल करते थे, कोई क्वेश्चन करते थे, कभी भी उस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का नाम नहीं देते थे. क्या लिखते थे? A non-volatile solute, a non-volatile solute, a non-volatile solute. सल्यूट का नाम उन्होंने कभी नहीं दिया क्योंकि उस केस में अगर सल्यूट का नाम देते तो फिर बेटा हमें दिक्कत हो जाती. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जब वो सल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा तो हम अगली 2 ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं कि क्या पता वो सॉल्वेंट में जाके स्प्लिट हो जाए या फिर क्या पता वो सॉल्वेंट में जाके फ्रीज हो जाए, जुड़ जाए, कंबाइन कर जाए. इसीलिए बेटा हमारे पास क्या आती है? 2 टर्म्स. एक हमारे पास बेटा क्या आता है? डिसोसिएशन. ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं. तो व्हाट इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो है बेटा वो क्या कर गया? डिसोसिएट कर गया. तो देखो बेटा, इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसोसिएट ऑन एडिंग टू सॉल्वेंट, अगर बेटा कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाएगा तो एक बात बताओ, उसका नंबर पहले से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. वेरी गुड. उसका नंबर बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसोसिएट करता है ऑन एडिंग टू अ सॉल्वेंट, इट नंबर ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल बेटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देयरफॉर इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू बेटा वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड हेंस उसके मोलर मास की वैल्यू उतनी ही आएगी, उससे ज्यादा आएगी कि उससे कम आएगी? कम आएगी. क्या आएगी? उससे कम आएगी. सर आपने तो ऐसा कोई एग्जांपल बताया नहीं बेटा, तभी तो हमने किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्यूट का नाम ही नहीं लिया. अब आप देखो, अब बेटा आपको क्या लगता है कि NaCl, आपको क्या लगता है कि NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो क्या वो NaCl रहता है? नो सर, सो वो पार्टली डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl-. बेटा पार्टली नहीं होता, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा वो क्या होगा? सर कंप्लीटली डिसोसिएट. जिसके लिए अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आएगी? 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये हमने इक्विमियम में पढ़ा था. यस सर. हाँ, तो बेटा अब हुआ क्या कि आपने तो अपने ग्लास के अंदर, कंटेनर के अंदर NaCl का एक मॉलिक्यूल डाला था इनिशियली. इनिशियली लेट्स सपोज NaCl का एक मॉलिक्यूल डाला, लेकिन अगर आपने इनिशियली एक मॉलिक्यूल डाला तो बेटा ये तो जीरो होंगे थोड़ी देर के बाद फाइनल, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इक्वी पर जीरो वन वन. वेरी गुड. ये तो बेटा कोई बचेगा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया क्योंकि NaCl तो था, अब है ही नहीं उसके अंदर. ये कितना आ जाएगा? एक. ये कितना आ जाएगा? एक. तो सर फिर अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सल्यूट पूरा डिसोसिएट कर रहा है कि थोड़ा सा डिसोसिएट कर रहा है? इसको कैलकुलेट करने के लिए वैन थॉफ ने अपना एक सिंबल, अपना एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे केस में आप कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हो. तो बेटा वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, ठीक है. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, Van Hoff introduced a factor. तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, Van Hoff factor बेटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, I. जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, आय. सर ये कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है बेटा. नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल आफ्टर डी, मतलब डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, दोनों में से बेटा कोई एक चीज होगी. ये मत सोचना कि सर डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों हो सकती हैं बेटा, ऐसा कुछ भी हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे बेटा. नेचर है, नेचर तो कुछ भी कर सकता है, बट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोलेंगे, या डिसोसिएशन है या फिर एसोसिएशन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनिशियल. तो बेटा डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बच गए, डिवाइडेड बाय आपने इनिशियली सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स दिए थे.
इधर देखो बेटा, मैं वैन हॉक फैक्टर निकाल रहा हूं, आई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि डिसोसिएशन के बाद कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मेरे पास आ गए? दो. वेरी गुड, वन प्लस वन. और मेरे पास इनिशियली कितने थे? वन. वेरी गुड, ये रहा होगा. इन दोनों को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय इनिशियली लिया. बेटा ये आई की वैल्यू कितनी आ गई? टू. एक और एग्जांपल देखो बेटा, मॉलिक्यूल तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है उसका, पता नहीं वो कितने टूट के क्या क्या दे रहे, यू नेवर नो. ऐसे बेटा मैंने MgCl2 ले लिया. अब MgCl2 अगर बेटा डिसोसिएट करेगा तो एक Mg आयन देगा और साथ में दो Cl नेगेटिव आयन दे देगा. ऑब्वियसली बात है बेटा, इनिशियली मैंने कितना मॉलिक्यूल लिया? वन. ये कितना आ जाएगा? जीरो. जीरो. सर ये जीरो जीरो क्यों आ रहा है? अरे बेटा मैं अभी डाला ही तो है मैंने. डिसोसिएशन में टाइम लगता है, वन माइक्रोसेकेंड, वन मिली सेकेंड, वन सेकेंड, वन नैनो सेकेंड, भाई टाइम तो लगेगा ना, कुछ भी है. तो जब मैंने इनिशियली एकदम से डाला तो जीरो आ गया, और थोड़ी देर के बाद बेटा ये कितना आ जाएगा? जीरो. और ये कितना आ जाएगा? वन. कितना आएगा? टू. टू. वेरी गुड, टू. वैन हॉक फैक्टर कैसे निकालोगे? वेरी गुड, थ्री. वन प्लस टू डिवाइडेड बाय वन, ये कितना आ गया बेटा? थ्री. तो इसका मतलब ये हो गया कि डिसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू वन से ज्यादा. जब कुछ नहीं होता बेटा उसको हम क्या लिखते हैं? आइडियल. उस केस में बेटा आई की वैल्यू वन होती, जो हम पढ़ रहे थे सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें क्या है? वो आइडियल है. तो आई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? वन आ गई. ऐसे ही अब हम बेटा बात करते हैं, व्हाट इफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएशन शो कर, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट आ जाएगा. इफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट एसोसिएट ऑन एडिंग टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट इट्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर जाएगा बेटा? डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं. मैंने डाले थे 10, दो दो करके जुड़ गए, कितने बन गए? 5. देयरफोर इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू ऑल्सो decreases and hence molecular mass of non-volatile solute comparison to actual value ज्यादा आएगा. सर कैसे? एग्जाम्पल दो बेटा. एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये बड़े कॉमन होते हैं, C6H5COOH. सर C6H5COOH. हाँ जी बेटा, मैंने इसके आगे 2 लगाया. इनिशियली बेटा मैंने कितने लिए? 2. तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 0. थोड़ी देर के बाद बेटा क्या आ गया? इक्वी. और दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए बेटा. ये एक बेंजोइक एसिड है, ये दूसरा बेंजोइक एसिड है, बट
प्रोसेस लो टेम्परेचर पे हो रहा था तो ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब बेटा अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ये कितने हो गए? अब एक हो गया, है ना। तो जब दो चीजें आपस में जुड़कर एक होती हैं तो दो से एक बन गया। दो चीजों के जुड़ने को बेटा हम कहते हैं डाइमर। अब ये हो जाएगा जीरो, ये क्या हो गया एक। तो बेटा वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होके आ गए, एसोसिएशन के बाद कितने आ गए? वन। और लिए कितने थे आपने इनिशियल? दो। दो। तो बेटा इसे कहते हैं डाइमर, जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। जब दो मॉलिक्यूल्स जॉइन और कंबाइन, ऐसे ही बेटा आई की वैल्यू 1/3 भी आ सकती है। इसको आप कहते हैं ट्राइमर, जब तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, ऐसे ही 1/4। बेटा जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसको हम नाम देते हैं मोनोमर, जब दो जुड़ जाते हैं डाइमर, जब तीन जुड़ जाते हैं ट्राइमर, जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीमर। वेरी गुड। तो ये पॉलीमर जो नाम है ऐसे आता है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा बेटा वन से क्या आएगी बेटा, कम आएगी। समझ में आया बेटा? समझ में आया बच्चे? यस सर। अब इसमें बेटा एक और कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैंने कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाया है तभी वैल्यू वन आएगी, ठीक है, सॉरी टू आ रही है, थ्री आ रही है, फोर आ रही है, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन बेटा इनकम्प्लीट भी तो हो सकता है, तो बेटा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा 2.1, 2.3, 2.4, 1.5, 1.6, 1.7, तभी तो बेटा मैंने शब्द क्या लिखा है इक्वी, तभी तो मैंने शब्द क्या लिखा है बेटा इक्वी। तो ये भी हो सकता है बेटा, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सारे जुड़कर नंबर आधा हो गया, इज दैट क्लियर? तो बेटा उसे कहते हैं कंप्लीट एसोसिएशन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेटा 100 में से 10 जुड़ेंगे, 15 नहीं जुड़ेंगे। सर आपने ऐसा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया। इन जनरल बेटा अब आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं बेटा, है ना। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास कंपाउंड था ए बी, दो ए और बेटा बी दे रहा है, ठीक है। तो बेटा इनिशियली मेरे पास 100 थे, ये कितने आ गए बेटा 0, 0। थोड़ी देर के बाद बेटा मेरे पास ये कितने रह गए, 85 रह गए। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर मेरे पास ये 85 रह गए तो टूटे कितने, डिसोसिएट कितने हुए? सर 15। वेरी गुड। तो बेटा 15 इधर भी आएगा, 15 इधर भी आएगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके लिए आई कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये रहा बेटा डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ये देखो बेटा 85। सर 85 बाय 100 सर 0.85। 85 प्लस 15 प्लस 15 ये है डिसोसिएशन के बाद। यस सर। डिवाइडेड बाय बेटा कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 100। समझ में आया बच्चे लॉजिक? तो पूरे डिसोसिएट भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत डिसोसिएट भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, है ना। ये बेटा एग्जांपल है कंप्लीट डिसोसिएशन का, ये एग्जांपल है कंप्लीट डिसोसिएशन का। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता
तो बेटा ये वैल्यू 1.8 होती है, 1.9 होती, 1.6 होती, 1.5 होती. अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो बेटा ये वैल्यू कितनी होती, 2.6, 2.7, 2.85, 2.91, 2.98, 2.99, ये वैल्यू ऐसे हो सकती, कोई ऐसी बात नहीं. अगर कंप्लीट एसोसिएशन है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1/2, 1/3, 1/4, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर वगैरह वगैरह. हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही सबसे ज्यादा हैपनिंग होता है, इस पे तो हार्डली कभी कोई क्वेश्चन आया है. एग्जैक्टली तो नॉर्मली दो मॉलिक्यूल जुड़ के ही आपस में डायमर बनाते होते हैं, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है. बट इनकम्प्लीट एसोसिएशन भी हो सकता है. सर इनकम्प्लीट एसोसिएशन का एग्जाम्पल बताओ. ये देखो बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड था ए बी, जो क्या बन गए, ए बी एक्स. तो बेटा मैंने 100, मतलब एक ए जुड़ेगा और एक बी जुड़ेगा, ठीक है. मेरे पास इनिशियली बेटा 100 थे तो ये 0 था. थोड़ी देर के बाद बेटा मेरे पास ये 80 रह गए. तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए? 20. लेकिन जब वो 20 आपस में जुड़ेंगे तो कितने बनाएंगे? वेरी गुड बेटा. जब दो आपस में जुड़ के एक बना रहे हैं तो 20 जुड़े, मतलब 10 ये रहे, 10 ये रहे, तो ये 10 आपस में जुड़ेंगे तो बेटा कितने बन जाएंगे फाइनली? मेरे पास 10 आ जाएगा. तो सर मैं आई कैसे निकालूंगा? बेटा इस एसोसिएशन के बाद कितने रह गए, 80 + 10 डिवाइड बाय कितने थे, 100. तभी तो बेटा आई की वैल्यू 1 से कम आएगी. में आए और इस केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है. याद रखना बेटा, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी. नंबर जो मर्जी हो बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आई को रिप्रेजेंट करने के बेटा एनसीईआरटी ने और बाकी की किताबों ने अलग अलग तरीके से 4-5 फॉर्मूले दिए हैं. मुझे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन दिए बेटा करने के लिए बैंड ऑफ फैक्टर्स है एनसीईआरटी के अंदर. और हर क्वेश्चन में उन्होंने बेटा अपना अलग ही तरीका बताया हुआ है. मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको स्टैंडर्ड फुल प्रूफ मेथड बताऊंगा. एक ही तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. मुझे मल्टीपल फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल तरीके करने की जरूरत नहीं है. हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ही स्टिक करेंगे. आप में से जिसको जो जो कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है, जिसका कोई सवाल हो वो पूछ सकता है. प्लीज सर, ये मिलने के बाद 10 हुआ है 20? बेटा ए बी जो कंपाउंड था, ठीक है, है ना, ये आपस में मतलब इसको आपको ऐसे आप इसको ऐसे कर लो, मैं आपको इसका एक और तरीका, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो. ए बी एक कंपाउंड था, आपके पास ऐसे कितने कंपाउंड थे बेटा, 100, ठीक है, yes, है ना. यस सर. थोड़ी देर के बाद मैंने देखा जो ए बी मेरे पास है वो 100 की बजाय पूरे के पूरे 80 रह गए, ठीक है. हाँ सर. तो इसका मतलब है 20 ए बी के मॉलिक्यूल जुड़ गए. हाँ. दो ए बी के मॉलिक्यूल जुड़कर एक बना दें. ये ए बी है, ये भी ए बी है, ये आपस में जुड़ गए.
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी होल टू। तो अगर 10 ए बी ये रहे, 10 ए बी ये रहे, एक एक करके वो जुड़ रहे हैं, तो बेटा 20 ए बी अगर जुड़ेंगे दो में तो 20 / 2 कितना हो जाएगा, 10। तो मेरे पास कंटेनर में 80 ए बी है और 10 मेरे पास क्या है, ए बी होल ट्वाइस। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया, 80 + 10 = 90। इनिशियली बेटा कितने थे, 100 / 100, तभी तो बेटा आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर एसोसिएशन में आई की वैल्यू आपकी 1 से कम नहीं आ रही, सिंपली आपने गलती करी है। एसोसिएशन में आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा नहीं आ रही, आपने गलती करी है। एंड सिंस, देखो बच्चों सारे के सारे इधर देखो बेटा, एंड सिंस अब बेटा हमारे पास वैन हॉक फैक्टर आ गया, तो आपको पता है हमारे सारे फॉर्मूले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बदल गए, नए आ गए। तो नए फॉर्मूले क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 - PA / PA0 विच इज इक्वलेंट टू I into मोल फ्रैक्शन। ये है करेक्टेड फॉर्मूला, असली फॉर्मूला आज के बाद ये है बेटा। तो अगर आइडियल होगा तो वैसे ही आई की वैल्यू बन है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टी बी क्या आ जाता है बेटा, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल इंटू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और बेटा फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, तो पाए वी एस इज इक्वल टू आई इंटू एन बी इंटू आर। तो हमारे अपग्रेडेड फॉर्मूले जो है बेटा वो ये हो, हमने वैन हॉक फैक्टर हर फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो आप बहुत बार यूज करेंगे, ये भी आप बहुत बार यूज करेंगे, ये भी आप बहुत बार यूज करेंगे, इस पे बेस कोई खास न्यूमेरिकल अभी तक पिछले 20 सालों पे हमने नहीं देखा है बोर्ड के अंदर, ना ही हम करवाते हैं। तो ऑल योर, किसी का बेटा कोई भी डाउट हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।